शासकीय माध्यमिक विद्यालय मालखेड़ा में महिला रसोईया के पद पर कार्यरत अनीता सालवी द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय मालखेड़ा के प्रभारी प्राचार्य रामनिवास राठौर और भादवमाता स्व सहायता समूह की महिला अध्यक्ष आशा शर्मा पर वेतन न दिए जाने और मध्यान्ह भोजन का गेहूं घर ले जाने के आरोप लगाते हुए शिकायती आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके विरोध और प्रभारी प्राचार्य रामनिवास राठौर और भादवमाता महिला स्व सहायता समूह की महिला अध्यक्ष आशा शर्मा के पक्ष में ग्राम मालखेड़ा के ग्रामीण बड़ी संख्या में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उक्त मामले में निष्पक्ष जांच और महिला रसोईया नीताबाई पति मुकेश सालवी द्वारा प्रभारी प्राचार्य और स्व सहायता समूह की महिला अध्यक्ष के खिलाफ की गई अनर्गल और झूठी शिकायत करने पर शिकायतकर्ता महिला रसोईया के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। उस दिन मंगलवार को वो अनीता पति मुकेश भलाई ज्ञापन देने आया था, तो उसने सारी बातें मतलब सर के खिलाफ और मेरे खिलाफ जो अशब्दों का प्रयोग किया उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। क्या मामला है पूरा, किस बात को लेकर के उन्होंने शिकायत करी थी और आप लोग क्या चाहते हैं? ये माध्यान्ह भोजन का काम है, हम दोनों ने मिलकर 2 साल पूर्व दोनों ने मिलकर जो काम किया था उसके खिलाफ वो कार्रवाई, हर जगह मेरे खिलाफ रिपोर्टबाजी कर दी, इधर से उधर कर दी, वहाँ से वहाँ कर दी, कुछ भी नहीं हुआ तो सर को और मेरे खिलाफ शब्दों का प्रयोग किया उसने। उसने शिकायत दर्ज कराई कि मैं पैसे नहीं दे रही और राशन नहीं दे रही, तो उसके पास 85 किलो गेहूँ है और 40 किलो चावल उसके पास है और पैसे है उसके पास, एक दो के पैसे आ रहे, एक जन के पैसे उसके पास एडवांस है, तो पैसे मैं मांगती हूँ उसके ऊपर, वो मेरे को कोई पैसे नहीं मांगती, और सर के ऊपर जो भी आरोप लगाया उसके विरुद्ध उचित से उचित कार्रवाई की जाए। वो सारे गलत है, वो सारे गलत है, उसमें मेरा भी बदनाम हो रहा है कि मतलब अध्यक्षता द्वारा मतलब अवैध संबंध बनाने के लिए बोला, जबकि मैंने उससे 6-7 महीने से अभी तक मैं उससे कभी बात नहीं। हम चाहते हैं कि अनीता पति मुकेश के ऊपर उचित कार्रवाई हो और उससे कुछ भी। हम गांव मालखेड़ा से आए हैं, सभी ग्रामवासी साथ में आए हैं, एक शिक्षक है हमारे यहाँ रामनिवास जी राठौर, सहायक प्रधानाध्यापक है और साथ में BLO भी है, उनके खिलाफ एक गांव की एक महिला ने गलत आरोप लगाए हैं। हम सर के प्रधानाध्यापक के पक्ष में ज्ञापन देने आए हैं कि गलत उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत है, बहुत ही वो अपना काम शानदार ईमानदारी तरीके से और कोई भी काम गाँववासियों का, जैसे BLO भी हैं, आधार कार्ड ये वोटर ID काम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं और गांव में कम से कम 6 साल से कार्य कर रहे हैं, सभी ग्रामवासी उनके उनसे सहमत हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी ग्रामवासियों में। उनके खिलाफ जो महिला ने आरोप लगाए हैं वो सरासर बिल्कुल गलत है और उनके पक्ष में हम आज ज्ञापन देने कलेक्टर कर। गाँव की ही महिला है और वो अन्य अनीता मुकेश है, वो उस पर रसोई का काम करती है मिडिल स्कूल में। क्या मामला हो गया था रसोई के पत्ते? उसने सर के खिलाफ जो बहुत सी गलत जानकारियां देके उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।